हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी विज्ञान कक्षा 10वीं में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि पहले मैं आप लोगों को बताया था, एनसीईआरटी विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आऊँगा, तो आज मैं साइंस में सभी विषय का वस्तुनिष्ठ प्रश्न लेकर आया हूँ। क्योंकि कुछ छात्रों का ये मानना है कि सिलेबस बदल चुका है, तो ऐसी कौन कौन से प्रश्न हैं जो आएंगे परीक्षा में। तो पूरे विज्ञान के सिलेबस में कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न निकाले हैं और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप इनको पहले याद कीजिए। इसके साथ साथ कुछ न्यूमेरिकल प्रश्न भी है जो मैंने इसकी वीडियो पहले में बता दिया है। इसके अलावा और कुछ पढ़ लेते हैं तो वो एक अच्छी बात है, लेकिन इतना प्रश्न आपको आना ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न क्रमांक एक से। प्रश्नों को देखने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कॉपी पेन लेकर बैठे, ताकि जो भी मैं प्रश्न बता रहा हूँ आप उन्हें तुरंत नोट कर सके। और ये जो प्रश्न है आपको दिसंबर से पहले करना है, ताकि आपका एग्जाम हॉल में अच्छा प्रदर्शन रहे। तो चलिए अब मैं प्रश्न क्रमांक एक बताता हूँ। प्रश्न क्रमांक एक जो इम्पोर्टेंट है वो है, प्रकाश की किरणें गमन करती है ऑप्शन ए सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सीधी रेखा में। उसके बाद इसका अगला प्रश्न है, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है ऑप्शन ए आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन बी परावर्तन कोण के बराबर अपवर्तन कोण, ऑप्शन सी आपतन कोण के बराबर विचलन कोण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण। उसके बाद इसका अगला प्रश्न है, अब हमारे पास निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है ऑप्शन ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन बी 3 × 10⁸ सेंटीमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन सी 3 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद इसका अगला प्रश्न लेते हैं, अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 2, क्योंकि प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। ये आपको पता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहला चैप्टर में ही आप लोग पढ़ लिए होंगे। तो आइए इसका अगला प्रश्न लेते हैं, अब दंत विशेष किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो इसका ऑप्शन दिया है, इसका ऑप्शन है समतल दर्पण, ऑप्शन बी अवतल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवतल दर्पण। उसके बाद इसका अगला प्रश्न लेते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, इसका ऑप्शन पहला है वास्तविक, दूसरा काल्पनिक, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा काल्पनिक। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है ऑप्शन ए उत्तल, ऑप्शन बी अवतल, ऑप्शन सी समतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अवतल। उसके बाद इसका अगला प्रश्न अब हमारे पास है, समतल दर्पण से वास्तविक वस्तु का बना प्रतिबिंब होता है ऑप्शन ए आभासी या छोटा, ऑप्शन बी आभासी या बड़ा, ऑप्शन सी आभासी वस्तु के आकार का, ऑप्शन डी वास्तविक। तो इसका जो सही उत्तर है आभासी वस्तु के आकार का। उसके बाद इसका अगला प्रश्न है, घिसा कांच होता है ऑप्शन ए पारदर्शक, ऑप्शन बी अपारदर्शक, ऑप्शन सी पारभाषक, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा पारभाषक। उसके बाद इसका अगला प्रश्न है, आपतन कोण यानी आपतन कोण को आई से डिनोट करते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण, परावर्तन कोण को आर से डिनोट करते हैं, आपतन कोण और परावर्तन कोण हो तो इसका ऑप्शन ए है आई बराबर आर, ऑप्शन बी है आई बराबर 2R, ऑप्शन सी है 2I बराबर आर, ऑप्शन डी है आई आर से बड़ा है। तो इसका जो सही उत्तर होगा आई के बराबर आर। उसके बाद इसका अगला प्रश्न लेते हैं, इसका अगला प्रश्न है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त है ऑप्शन ए समतल, ऑप्शन बी उत्तल, ऑप्शन सी अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है अवतल दर्पण।
अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं दाढ़ी बनाने में। उसके बाद इसका अगला प्रश्न लेते हैं। अब हम अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी फोकसांतर को F से डिनोट करते हैं और वक्रता त्रिज्या R के बीच संबंध है। ऑप्शन ए F बराबर R, ऑप्शन बी R बराबर 2F, ऑप्शन सी F बराबर 2R, ऑप्शन डी F बराबर 1.5R। तो इसका जो सही उत्तर होगा R बराबर 2F, यानी वक्रता त्रिज्या की दो गुनी है फोकस दूरी, इसका मतलब ये होता है। तो आइए इसका अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न जो अब हमारे पास है, F बराबर R बाई 2 सत्य है। ऑप्शन ए अवतल दर्पण में, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण में, ऑप्शन सी समतल दर्पण में, ऑप्शन डी ए और बी दोनों में। तो इसका जो राइट आंसर है ए और बी दोनों में, यानी उत्तल दर्पण और समतल दर्पण में। उसके बाद इसका अगला प्रश्न है, आवर्धन M का ऋणात्मक मान बताता है कि वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब सीधा है, वस्तु से प्रतिबिंब छोटा है, वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, वस्तु के सापेक्ष प्रतिबिंब उल्टा है। उसके बाद इसका अगला प्रश्न अब हमारे पास है, अप्रदीप्य वस्तु है। ऑप्शन ए चांद, ऑप्शन बी सूर्य, ऑप्शन सी तारे, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा चांद। उसके बाद इसका अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरण है। तो इसका ऑप्शन है, प्रकाश का बिंदु पथ, पथ का मतलब रास्ता होता, मार्ग जिसको बोलते हैं। उसके बाद ऑप्शन बी किरण का बिंदु पथ, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा प्रकाश का बिंदु पथ। उसके बाद इसका अगला प्रश्न लेते हैं। अब हम इसका अगला प्रश्न है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए किरण पुंज, ऑप्शन बी प्रकाश पुंज, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही उत्तर होगा किरण पुंज, क्योंकि किरणों का समूह को क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। अगर दूसरा किरण अगर एक दूसरे के समांतर जाती हो तो वह समांतर किरण पुंज कहलाता है। ये तो आप लोग फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिए होंगे, इसीलिए मैं आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा। चलिए अब इसका अगला प्रश्न लेते हैं। तो इसका अगला प्रश्न है, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है, जो वृत्त के आकार का होता है, परिधि से लेकर परिधि तक की दूरी, वो क्या कहलाता है। मैथमेटिक्स की भाषा में हम उसको व्यास बोलते हैं, और यदि फिजिक्स की भाषा में बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गोलीय दर्पण का द्वारक कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, गोलीय दर्पण का द्वारक। तो इसी